जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस समय देख रहे हैं सभी प्रकार के जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो अब दोस्तों, बारी है शलाका सम्मान की। आज हम देखने वाले हैं शलाका सम्मान के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी पिछली बार हमने देखा था जेल वार्डन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे शलाका सम्मान आज। ठीक है, और आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक बैच चलाने वाले हिंदी की। ठीक है, जिसका नाम होगा दोस्तों टारगेट हिंदी बैच। क्या टारगेट हिंदी बैच? और उसमें हम जो भी एग्जाम है दोस्तों आने वाले, उनको हम पूरा टारगेट करने वाले, चाहे वो यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, या वीडियो हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, सबको हम टारगेट करके वो बैच चलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये शलाका सम्मान। तो बात करते हैं शलाका सम्मान की। देखिए दोस्तों, आज हम शलाका सम्मान के देख रहे हैं। तो शलाका सम्मान देखिए, पहले क्षेत्र क्या है? तो आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहाँ से दिया था? तो आपको याद रखना है कि शलाका सम्मान जो है वो हिंदी एकेडमी दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। किसकी ओर से? हिंदी एकेडमी दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, और इसकी राशि क्या है दोस्तों? तो 5 लाख रुपए। कितनी राशि मिलती है? 5 लाख रुपए। प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह मिलता है। ये चीज याद रखें, क्योंकि ये आपके जो आपका एग्जाम था दोस्तों जेल वार्डन का, उसमें ये क्वेश्चन फंसा था कि शलाका सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखना, कितने रुपए दोस्तों? 5 लाख रुपए। तो चलिए दोस्तों, कुछ हम साहित्यकार देखेंगे, उनकी सूची देखेंगे किसे किसे शलाका सम्मान मिला है और कब मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। तो पहला दोस्तों शलाका सम्मान किसको मिला है? तो ये याद रखेंगे, 1986-87 में पहला दिया गया किसको? रामविलास शर्मा जी को। किसको दोस्तों? तो रामविलास शर्मा को पहला शलाका सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। और फिर वहीं दोस्तों 1987-88 को किसको दिया गया? तो विष्णु प्रभाकर जी को। किसको दोस्तों? विष्णु प्रभाकर जी को। और 1988-89 में किसको दिया गया? तो गिरिजा कुमार माथुर जी को। किसको दोस्तों? गिरिजा कुमार माथुर जी को। और वहीं अगर हम 89-90 की बात कर लें, किसको दिया गया? तो त्रिलोचन शास्त्री जी को। किसको दोस्तों? त्रिलोचन शास्त्री जी को। और 90-91 दोस्तों 1990-91 का किसको दिया गया? तो नामवर सिंह जी को। देखिए, नामवर सिंह की हाल ही में मृत्यु हुई, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो नामवर सिंह जी को दिया गया है 1990-91 में। वहीं बात करते हैं 94-95 दोस्तों किसको दिया गया? तो याद रखेंगे, विजयेंद्र स्नातक जी को। किसको? विजयेंद्र स्नातक जी को दिया गया है दोस्तों 1994-95 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1995-96 दोस्तों किसको दिया गया? तो नरेंद्र कोहली जी को दिया गया। याद रखेंगे, नरेंद्र कोहली है ना, इनको दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार देगा वो कई बार पूछा चुका है, तो नरेंद्र कोहली जी को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों 1996-97 में किसको दिया गया? तो कृष्णचंद्र शर्मा, जिन्हें भिक्खू के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनेम क्या है? भिक्खू। ठीक है, तो 1996-97 दिया गया। वहीं 97-98 देखते दोस्तों, तो निर्मल वर्मा जी को दिया गया 1997-98 का। ठीक है, शलाका सम्मान। और 1998-99 की बात करेंगे तो किसको दिया गया? तो गोपाल प्रसाद व्यास जी को। किसको दोस्तों? गोपाल प्रसाद व्यास जी को दिया गया। और 1999-2000 का किसको दिया गया? तो भीष्म साहनी जी को। दोस्तों आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं तमस और दोस्तों चीफ की दावत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी जी को 1999 और 2000 के बीच का दिया गया। वहीं 2001 का दोस्तों किसको दिया? कृष्णा सोबती। आपको पता है इनको कोई भी लगता है कि सारे पुरस्कार इन्हीं के लिए बने हैं, और इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, कृष्णा सोबती जी को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और 2001-2002 को किसको दिया गया? तो रामदर्श मिश्र जी को दिया गया है शलाका सम्मान 2001-2002 का। वहीं अगर बात करते हैं 2002-2003 का दोस्तों, तो कमलेश्वर जी को दिया गया, जिनकी रचना है कितने पाकिस्तान, आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 2002-2003 का किसको दिया गया है? कमलेश्वर जी को दिया गया। और 2003-04 का किसको दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राजेंद्र यादव जी को। किसको? राजेंद्र यादव जी को। और वहीं 2004-05 का दोस्तों किसको दिया गया? तो नेमीचंद्र जैन जी को। किसको? नेमीचंद्र जैन जी को। ठीक है, और वहीं 2005-06 का दोस्तों बात कर लें तो कुंवर नारायण जी को। किसको दोस्तों? कुंवर नारायण जी को। और 6-7 की बात कर लें, 2006-07 की, तो मन्नू भंडारी जी को। किसको दोस्तों? मन्नू भंडारी जी को दिया गया 2006-2007 का। ठीक है, चलिए, और वहीं 2007-08 की बात कर लें तो प्रभास जोशी जी को दिया गया।
किसको, प्रभास जोशी जी को दोस्तों, और 2008-09 में दिया ही नहीं गया दोस्तों। और देखिए 2008-09 में नहीं दिया गया, 2010-09-10 की बात करते हो तो केदारनाथ सिंह जी को दिया गया, जिन्होंने दोस्तों इसे ठुकरा दे, इसे लेने से इनकार कर दिया था। कौन थे? केदारनाथ सिंह जी दोस्तों। तो इनको याद रखेंगे, बहुत सारे पुरस्कार इनको भी मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों कि किसने ठुकरा दिया दोस्तों, तो केदारनाथ सिंह जी ने 2009-10 का, ठीक है। चलिए, और दोस्तों 2010-11 का दोस्तों किसको मिला, तो अरविंद कुमार जी को, किसको, अरविंद कुमार जी को। और 2016-17 का याद रखेंगे दोस्तों मैनेजर पांडे को, और 2017-18 का दोस्तों जावेद अख्तर, ये इंपॉर्टेंट, जावेद अख्तर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा था, ठीक है। और 2018-19 से सबसे लेटेस्ट दोस्तों तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को, किसको, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दोस्तों ये दिया गया, तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछा गया था यूपीएससी में, इसका आंसर आप देंगे कि हिंदी का सलाका सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया दोस्तों, तुलसीदास को, या विष्णु प्रभाकर जी को, या फिर दोस्तों रामविलास शर्मा जी को, या फिर रामचंद्र शुक्ल को दोस्तों किसे दिया गया, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया 21 दिसंबर 2017 क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा दोस्तों। और देखिए अगर इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिसर के नाम से। और अच्छी बता दोस्तों, ठीक है, इसकी दोस्तों हमने ई बुक भी लॉन्च की दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के साथ सभी प्रकार के दोस्तों पुरस्कार होंगे। ये है दोस्तों समान हिंदी की, ठीक, और ये है हिंदी भाषा की बोलियों की, और ये पत्र लेखन की। अगर परचेस करना तो दोस्तों नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ जा करके आप इन्हें परचेस भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आपसे आसानी से मिस ना हो पाए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।